आज हम आगमन काल के दूसरे रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम संत योहन बपतिस्ता की भूमिका पर विचार करने के लिए माता कलीसिया द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के आगमन का राह तैयार किया। वही मसीह जिनके द्वारा हम मानव जाति का उद्धार हुआ है। योहन बपतिस्ता नबी ईसाया के ग्रंथ को याद दिलाते हुए कहते हैं कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो, क्योंकि वह आ रहा है। योहन बपतिस्ता इस वाक्यांश के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं? वह हमसे कहना चाहते हैं, अपने हृदय का पथ सीधा करो, ताकि वह हमारे हृदय में प्रवेश कर सके, निवास कर सके एवं हमारे हृदय की पारदर्शी व खुला बना सके। प्रभु अपने आगमन से हमारे हृदयों को परिवर्तित कर देगा, हमारे पत्थर रूपी हृदय को बदल देगा तथा हमें मांस का हृदय प्रदान करेगा। हमें इस भय में जीने की जरूरत नहीं है कि वास्तव में हम क्या हैं, क्योंकि उसकी नजरों में हम बहुमूल्य हैं, धनवान हैं। उसकी नज़रों में हम अद्वितीय हैं, हम सा कोई दूसरा नहीं है। परंतु हम एक दूसरे की नज़र में ऊंचा व महान बनने की होड़ में लगे हैं। हम याद रखें, वचन हमसे कहता है, हम पापी ही थे जब वह क्रूस पर हमारे लिए मर गया। वचन हमसे यह भी कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम याद रखें कि वह हमसे अतुल्य प्रेम करता है। यदि हम सच्चे मन से अपने हृदय के पथ को इस आगमन काल में सीधा करने का निर्णय लेते हैं, तो वास्तव में ईश्वर स्वयं ही हमारे हृदय में बसने के लिए आएंगे। संत याकूब के पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 8 में हम सुनते हैं कि तुम परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाओ और वह 10 कदम तुम्हारी ओर निकट आएगा। वास्तव में प्रभु हमसे सिर्फ ईमानदार होने के लिए कहते हैं। आगमन काल तैयारी का समय है तथा जागते हुए ईमानदारी के साथ उसकी प्रतीक्षा करना है। जरूरी है कि हम स्वयं के साथ तथा ईश्वर के प्रति अपनी चाह हेतु ईमानदार रहें। हम हमारे आज के इस समाज से सावधान रहें, जहां लोग अच्छे होने का मुखौटा पहनकर घूमते हैं, जिनके मुख में तो आशीष के शब्द होते हैं पर अंदर से अर्थात हृदय से छल खपट भरा होता है। योहन बपतिस्ता हमें इसी पर विचार करने के लिए निमंत्रित करते हैं। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो। आइए हम स्वयं से प्रश्न करें, क्या मेरा हृदय समतल भूमि की तरह है या फिर ऊबड़ खाबड़? क्या मैं ईमानदार हूं या फिर केवल सच्चा होने का मुखौटा पहनता हूं? क्या मुझ में ऐसा कुछ है जो मेरे हृदय में को ईश्वर की आगमन हेतु बाधा है? योहन बपतिस्ता ने अपना सब कुछ त्याग कर रेगिस्तान में रहा। धन, यश, ऐश्वर्य, ताकत, इन सब के बदले वह यीशु का अगुआ बना। हमारे लिए योहन बपतिस्ता का जीवन एक आदर्श है। क्या हम में ऐसा कुछ है जो योहन के इस संदेश पर चलने के लिए बाधा डालता है? साथ ही संत योहन आज हमें मार्कुस के सुसमाचार से यह भी सिखाना चाहते हैं कि इस आगमन काल में हमें न केवल यीशु के जन्म की प्रतीक्षा करनी है, बल्कि हमें यीशु को ढूंढना भी है जो यर्दन नदी में अवतरित हुए। आइए हम इस बात को भी याद रखें कि बपतिस्मा संस्कार के माध्यम से
उसी अवतरित ईश्वर के शरीर का हिस्सा बनने के लिए यह आगमन काल हमें आमंत्रित करता है। आमीन।